कांग्रेस शुरू से ही वादा खिलाफी करते आई है। कांग्रेस ने गरीब हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबी नहीं हटी। साल 2023 के पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा नजर आते थे। किसानों को न सिंचाई की सुविधा मिलती, न अस्पताल की सुविधा थी। स्कूलों में कमरे नहीं थे तो माता बहन को शौचालय तक नहीं थे। परंतु जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तब से पूर्व प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। पूरा मध्य प्रदेश देश भर में विकसित राज्य के नाम से जाना जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, युवा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोक कल्याण के काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 168 योजनाएं लागू की गई हैं जिससे हर परिवार को कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। उक्त बात भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार ने भाजपा बाधवा माता मंडल के ग्राम भवरसा कचोली केलुखेड़ा बामनिया माल्या पेपलिया व्यास विश्निया दीपूखेड़ी पालसोड़ा में जनसंपर्क के दौरान ग्रामीण जनों के बीच गई। परिहार ने कहा कि भाजपा ने हमेशा माता बहनों का सम्मान किया है। धनतेरस के पहले ही इस बार लाडली बहनों के खाते में खुशियों की किस्त पहुंच रही है। भविष्य में राशि बढ़कर 3,000 तक पहुंच जाएगी जिससे बहनें आत्मनिर्भर बन सकेंगी। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि कमल प्रधान पार्टी है। कार्यकर्ताओं को उत्साह व चेहरा मोहरा देखकर महसूस किया जा सकता है। अनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।